सबसे पहले मैं तो देवायन को बोलना चाहूंगा, हमको और राजन को लगातार उच्चारण के लिए टोकते रहते हैं। आपको अब अफजल को भी टोकना होगा, खुद को भी टोकना होगा, हारसी भी है तो ठीक है, हारसी भी होंगी ना। पहले सीजन से हारती चली आ रही है, हारसी भी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन जीत सकता है आईपीएल 2022। प्रबंधन, आपकी टीम भाई इस बार क्या कुछ अलग होने वाली है, या फिर वही जो हमेशा से आप एक टीम का सपोर्ट करते हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, उसी की तरफ जाएंगे और क्यों जाएंगे? मेरी तो टीम कभी रही नहीं है। मैं तो किसी भी टीम का सपोर्ट करता हूँ जो मुझे लगता है कि इस बार अच्छा कर सकती है, अच्छा खेल रही होती है। 2023 की अगर हम बात कर रहे होते तो शायद मैं मुंबई का नाम लेता, क्योंकि बुमराह और जोफ्रा आर्चर एक साथ बॉलिंग करते वो सीन सोच के ही लगता है कि उनको जीत जाना चाहिए। लेकिन इस साल की हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है जैसा ऑक्शन गया है, और मैं हमेशा मानता हूं कि आधी जंग जो आईपीएल की वो ऑक्शन में जीती जाती है, मुझे लगता है कि आरसीबी इस बार कमाल करने वाली है। तमाम चीजों को लेके सबके पास गाड़ी बंगला है, लेकिन उनके पास करण शर्मा भी है। करण शर्मा है तो भाई टीम जीत जाएगी। देवायन, कौन सी टीम और क्यों? अगर सिर्फ पेपर पे देखें लेकिन तो शायद दिल्ली वैसे मेरी फेवरेट है, मतलब मैं दिल्ली से हूँ तो हमेशा दिल्ली के लिए एक वो एक वतन परस्ती रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल इस बार लग रहा है उनके स्क्वाड को देखते हुए। लखनऊ की टीम अच्छी है, पंजाब की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा जो अनुभव है पहले जीतने का वो फायदे में आता है, तो मुझे लगता है चेन्नई और मुंबई के बीच में आ सकता है। शायद चेन्नई को थोड़ा एज हो सकता है, लेकिन ये भी कहूंगा कि आईपीएल रिटेन करना बहुत मुश्किल है, तो उस लिहाज से मैं कहूंगा मुंबई। तो दया, यूपी की भी टीम आ चुकी है भाई, क्या इरादा है, किसकी तरफ? जब अपनी खुद की घर की टीम आ गई है तो फिर क्यों बाहर जाना। लखनऊ ने इतनी अच्छी खरीदारी की, जो उन्होंने आईपीएल मतलब नीलामी से पहले भी जो खिलाड़ी रखे वो भी काफी सॉलिड थे। उन्होंने क्विंटन डीकॉक को खरीदा, मुंबई से खरीदा, मतलब बहुत बड़ी बात थी। मुंबई जहाँ एक बार ठान लेती उनको खरीद लेती है, लेकिन वहां से क्विंटन डीकॉक को वापिस लाए। रवि बिश्नोई ने पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में मैन ऑफ द मैच किया, वो भी हमारे साथ हैं। जेसन होल्डर, मैं तो जानता हूँ कि जेसन होल्डर इस समय इस समय के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अच्छे ऑलराउंडर हमारे पास। लाइन लगा दी, सारे तर्क दिए, लेकिन एक तर्क ये भी है कि इस टीम का कप्तान वो है जो अभी तक प्रूवन नहीं है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या फिर आईपीएल हो। अफजल, एक सपोर्ट मिला है आपको? देखिए, मैं तो फर्स्ट सीजन से कह रहा हूँ कि जीतेगी टाइटल तो आरसीबी ही। पता है बहुत सालों से नहीं जीती है, बहुत सालों से हमारी साढ़े साथी चल रही थी, पर अब मुझे लगता है कि वह टाइम आ गया है। और एक बात यह है कि आप हमेशा से एक T20 क्रिकेट में एक बात रही है कि आपको अच्छी बैटिंग मैचेस जिता सकती है, लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप जीतनी है तो आपके पास अच्छी बॉलिंग होनी चाहिए, और इस बार आरसीबी के पास बॉलिंग में हर बेस कवर्ड है। अब जब मैं पहले बता देता हूँ कि साढ़े साथी को खत्म करने के लिए 14 साल कम से कम लगते हैं, 15 भी लग सकते हैं, आप उस हिसाब से अपना लगा लो क्या करना है। मैं सपोर्ट करूंगा चेन्नई के साथ, वो इस कारण से क्योंकि देखिए उनके पास जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अपना रोल पता है, बाकी टीमों के प्लेयर्स जो हैं उनको बताना होगा, अभी उनको एक जगह पर रह के उस अनुभव को प्राप्त करना होगा, लेकिन अनुभव के तड़के के साथ इस बार हमें युवा का भी तड़का लगा रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर उड़न तस्तरी सीधे चेन्नई की ओर उड़ेगी। आप बताइए कि उड़न तस्तरी उड़ाएगा कौन? धोनी तो इतने मैच ने आपने धोनी तो इतने दिन से मैच ही नहीं खेले, कौन उड़न तस्तरी उड़ाएगा? भूल गया बिल्कुल, ये सवाल दया ये बता रहा है कि आप किस तरीके से इस टीम को देख रहे हैं, कैसी बायसनेस है आपको। चेन्नई इसलिए है भाई क्योंकि पूरी की पूरी वही टीम है, कुछ नया करना नहीं होगा उनको, उसी को आगे बढ़ाना होगा। सैयद, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि चेन्नई ने वैसी की वैसी टीम रखी और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, पर शायद आप भूल गए कि लॉर्ड ठाकुर चले गए हैं, और जब लॉर्ड चले जाते हैं किसी टीम से वो टीम आधी हो जाती है। अलग जलाने के लिए दीपक हमारे पास है अभी, चिंता मत। अरे प्रंजन, आप कह रहे थे कि लक्की मैस्कॉट है कर्ण शर्मा, तो क्या सिर्फ कर्ण शर्मा के जाने से सारी चीजें आरसीबी की खत्म? सबसे बड़ी बात है कि विराट कोहली अभी भी आरसीबी के लिए खेलते हैं, अब वो कैप्टन नहीं है और किसी भी तरह का जो प्रेशर उनके ऊपर रहता था वो नहीं है। दूसरी बात जो मैं अफजल से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि इस बार अगर आप देखें पिछले कई सालों के मुकाबले उनकी बॉलिंग यूनिट काफी अच्छी दिख रही है,
और अगर बॉलिंग यूनिट आपके पास अच्छी है, बैटिंग आपका ऑलरेडी सेटल्ड है, फाफ डुप्लेसी को उन्होंने खरीद लिया है, ग्लेन मैक्सवेल पहले से हैं, विराट कोहली वहाँ पे टॉप थ्री में खेलेंगे, और उसके अलावा उन्होंने कुछ अच्छे यंग प्लेयर्स लिए हैं जिसमें अनुज रावत वगैरह भी शामिल हैं। मुझे ऐसा लगता है फैफ डुप्लेसी को उन्होंने बहुत सोच समझ के खरीदा है और उस पर उनके पीछे वो गए भी इसलिए थे कि उनको कप्तान बनाया जा सकता है। अगर ग्लेन मैक्सवेल अवेलेबल नहीं होते हैं पहले 10 दिन या 15 दिन 15 मैचों के लिए, तो निश्चित तौर पे फैफ डुप्लेसी को कप्तान बनाया जाएगा। और कौन, और कोई ऑप्शन है नहीं? पंजाब किंग्स बहुत जबरदस्त टीम लग रही है और खासकर उनकी जो बिग हिटिंग कैपेबिलिटी है, जैसे खिलाड़ी उन्होंने लिए हैं, वो किसी भी टोटल को गन डाउन कर सकते हैं। और इस बार शायद मैचेस मोस्टली महाराष्ट्र में होंगे जहां पे नॉर्मली पिचेस जो होती है बैटिंग के लिए बहुत अनुकूल होती है, तो पंजाब किंग्स को हमें बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, वो ऐसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो तरह से परास्त कर सकती है। मुझे तो लगता है कि फाइनल में चेन्नई और पंजाब भी पहुंच सकती है, लेकिन जीते की चेन्नई। सैयद ये लॉजिक दे रहा है कि पंजाब फाइनल में पहुंच जाएगी, तो फिर अब तो कोई लॉजिक का मतलब ही नहीं रहा। ऐसे तो गुजरात भी फाइनल पहुंच जाएगी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हम डिस्कशन ही लॉजिकल ले जा रहे हैं तो फिर बात अलग है, लेकिन पंजाब के पहुंचने का कोई चांस नहीं है। पंजाब की टीम हमेशा अच्छी रही है, हम ये कोई नई बात नहीं कि पंजाब की टीम इस बार अच्छी बन रही है। पंजाब की टीम पिछले बार भी अच्छी थी, उसके पहले भी अच्छी थी। पंजाब की टीम में अनप्रूवन कैप्टन्स रहे हैं, पंजाब की टीम में मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रही है और वो साफ रिफ्लेक्ट करती है, और इस बार भी देयर विल बी नो डिफरेंस। लेकिन एंड में बस हम यही अब जानना चाहेंगे आप तमाम लोगों से कि अगर एक बेट आपको करना हो, जिंदगी का सबसे बड़ा दांव लगाना हो, तो राजन सबसे पहले आप, कौन सी टीम और क्यों जो जीतेगी आईपीएल 2022? नहीं देखिए, मैं साफ तौर पर बिना किसी मजाक के अगर कहूं तो चेन्नई है। अगर मैं अपने अंदाज में कहूं कि क्यों चेन्नई जीतेगी, तो देखिए कि होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, झारखंड का बंदा है वो, नाम है उसका धोनी। अगर मुझे जिंदगी के दांव लगाना हो तो विराट कोहली पे लगाऊंगा। दूसरी बात ये कि बैंगलोर को लेके हम हमेशा से कहते रहे हैं पिछले कई सालों से कि उनकी बॉलिंग वो क्रैक नहीं कर पाते, बॉलिंग क्रैक नहीं कर पाते। मुझे लगता है ये पहली बार है, लास्ट टाइम भी था, उससे पहले भी था, कि उन्होंने अब बॉलिंग क्रैक करना शुरू कर दिया और इस बार उनकी बॉलिंग इस तरह लग रही है। जब आप 10 टीमों को देखेंगे कि आरसीबी इस बार प्रबल दावेदार है और मैं उनके साथ जाऊंगा। एक्सपीरियंस काउंट्स, तो मेरे हिसाब से मुंबई और चेन्नई के बीच में हो सकता है। मुंबई शायद, क्योंकि चेन्नई के लिए मुश्किल होगा रिटेन करना, आईपीएल रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है हमेशा, और रोहित शर्मा अच्छे सफल कप्तान रह चुके हैं, टीम में भी कोई ज्यादा बहुत खामी नहीं आई है इस ऑप्शन के बाद, तो इसी वजह से मुंबई। अफजल, दया ने तो आपकी टीम को आरसीबी करार दिया है, क्या बेट जिंदगी का सबसे बड़ा दांव आरसीबी पर लगा रहे हैं आप? देखिए सही है, दया भाई के जवाब में मैं एक ही चीज कहूंगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। और जहां तक बात रही आरसीबी की, तो अगर आप देखेंगे कि इस टीम के पास हमेशा से बॉलिंग की कमी थी, जो प्रबंध ने कहा कि बॉलिंग तो हमने क्रैक कर ही ली है, साथ ही साथ अगर अनुभव की कमी थी तो फाफ डुप्लेसी और दिनेश कार्तिक के आने के बाद वो भी कमी पूरी हो चुकी है, तो अब जितने भी होल्स थे वो पूरे फिल हो चुके हैं और अब ये टीम एक मजबूत टीम दिख रही है पेपर पर भी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये मैदान पर भी उसी तरह की मजबूत टीम दिखेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। हम अपनी बात और आपसे भी जानना चाहेंगे कि भाई आपका बेट किधर है, किधर दांव लगा रहे हैं आप? अरे सबसे पहली बात, अब जिंदगी का दांव किसी मैं टीम पे थोड़ी लगाऊंगा, कहीं और लगाऊंगा। डिप्लोमेटिक आंसर, यानी 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 आपको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदर में लग रहा है कि क्या होगा। हाँ मतलब लखनऊ के का सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन बस वही कप्तानी का मसला है। केएल राहुल मतलब अभी तक अनप्रूविन कप्तान है, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट देख ले, आईपीएल देख ले, पंजाब टीम के साथ जैसा रहा था। एक चीज मैं मतलब थोड़ा सा जिसपे चर्चा नहीं हुई करना चाहूंगा अंतिम में, क्योंकि जो दो सबसे सफल टीमें हैं आईपीएल की, चेन्नई और मुंबई, और उनकी सबसे खास बात यह है कि वो अपना कोर बना के रखते हैं, पुराने खिलाड़ियों को लेकर चलते हैं और लंबे समय तक लेकर। इस बार शायद कोलकाता ने वह प्रयोग किया है, उन्होंने मैक्सिमम खिलाड़ियों को रिटेन किया और फिर ऐसे खिलाड़ियों को खरीदा जो पिछले सीजन में उनके साथ थे, चाहे वह रिंकू सिंह हुए, पिंट बैट कमिंग। और दूसरी बात, उन्होंने श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है, जो दिल्ली के लिए अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अच्छा कर रहे हैं। आखिर में थोड़ा सा कोलकाता की तरफ भी आप आ ही गए। हाँ मुझे थोड़ा सा तार्किक लग रहा है उनका उनका जो उन्होंने शुरुआत लखनऊ से और एंड कर रहे हैं कोलकाता की तरफ। आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं, आपकी कौन है वो टीम जो जीत सकती है आईपीएल 2022? बस आप भी अपना कमेंट कीजिए, आपका भी कमेंट बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो फिर होगी मुलाकात आईपीएल के बाद।